सुबह आज हम देखेंगे 22 फीट बाई 50 फीट हाउस प्लान। लेट्स स्टार्ट विद द ग्राउंड फ्लोर। सो एज यू कैन सी हियर इज द ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर की रिक्वायरमेंट में कुछ एक शॉप, लिविंग रूम, किचन, बेडरूम और कॉमन टॉयलेट थी, और अपर फ्लोर पे एज कॉमन टेरेस। तो यहाँ से हमने एंट्री दी गई है। ये वाली एंट्री जो है यहाँ पे ओटा है। ओटा की जो साइज़ है वो 6 फिट 6 इंच बाई 6 फिट 9, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हॉरिजॉन्टली 6 फिट 6 इंच और यहाँ से लेकर यहाँ तक वर्टिकली 6 फिट 9। यहाँ पे हमने 2 स्टेप दिए है और फ्रंट में हमने यहाँ पे शॉप दिया है। शॉप की जो साइज़ है 14 फिट बाई 15 फिट 4, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 फिट और यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 फिट 4। और यहाँ से हमने एंट्री दी। दिस वन इज़ द बफर एरिया और आफ्टर दिस बफर एरिया यहाँ पे हमने एक लिविंग स्पेस दिया। लिविंग रूम की जो साइज़ है 20 फिट 6 इंच बाई 17, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हॉरिजॉन्टली 20 फिट 6 और यहाँ से लेकर यहाँ तक वर्टिकली 17 फिट। और आफ्टर द लिविंग स्पेस हियर इज दिस स्टेयरकेस गोज फॉर अपर फ्लोर लेवल। सो यहाँ से हमने स्टेप्स लिए जो यहाँ से हम अपर फ्लोर लेवल पर जा सकते हैं। और हियर इज़ द डाइनिंग और किचन स्पेस। सो द किचन और डाइनिंग स्पेस इज लाइक यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 फिट 1 इंच और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो साइज़ है वो 12 फिट है। यहाँ पे हमने एक एंट्री दी गई। ये जो है वो बेडरूम है। बेडरूम की जो साइज़ है एज़ यूजुअल कॉमन जो नॉर्मल साइज़ रहती है 10 बाई 12, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हॉरिजॉन्टली 10 और यहाँ से लेकर यहाँ तक वर्टिकली 12। और यहाँ पे हमने एक कॉमन टॉयलेट दिया है। कॉमन टॉयलेट जो है वो बिलो स्टेयर्स है, मतलब यहाँ से हम अप हो गए तो ये नीचे वाला स्पेस है वो पूरा खुला रहेगा। तो यहाँ से हमने एंट्री दी है कॉमन टॉयलेट की। तो कॉमन टॉयलेट की जो साइज़ है वो 7 फिट 1 इंच बाई 4 फिट 6, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक वो हॉरिजॉन्टली 7 फिट 1 और यहाँ से लेकर यहाँ तक वर्टिकली 4 फिट 6। और यहाँ पे हमने OTS दैट मीन्स ओपन टू स्काई दिया है। सो गाइस आपको भी इसी तरह के और यार कोई कुछ डिफरेंट प्लान चाहिए तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो थ्रू आवर कॉन्टेक्ट नंबर दैट आई ऑलरेडी मेंशन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जस्ट गो एंड चेक इट आउट।